नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। जो दोस्तों जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है लैकेसिस। आज मैं उसके कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लैकेसिस का पहला लक्षण है जो लोग हर वक्त उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं और बहुत कमज़ोर हैं, बहुत दुबले पतले हैं और बहुत दिनों से रोग से पीड़ित रहते हैं जिसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक अवस्था बहुत ख़राब रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए लैकेसिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों इसका अगला लक्षण है शरीर के ऊपरी अंश में यानी कि कमर से ऊपर के भाग में यदि कोई रोग होता है तो उसमें लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। या शरीर के बाएं भाग पर कोई भी बीमारी होती है उसमें लैकेसिस देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है इसका रोगी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं करता। उसे डर रहता है कि कहीं कोई हमें विष न खिला दे। तो ऐसा लक्षण रहने पर मरीज को लैकेसिस देने से उसकी ये समस्या ठीक हो जाती है और इसके साथ में यदि उन्हें कोई रोग है तो वो भी ठीक हो जाता है। दोस्तों इसका अगला लक्षण है फीवर में। इसमें रोगी जब अपनी जीभ बाहर निकालना चाहता है तो जीभ कांपने लगती है और दांतों के अंदर अड़ जाती है। तो ऐसा लक्षण यदि फीवर में मिले तो उसमें लैकेसिस देना चाहिए। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार देना चाहिए। इससे फीवर में बहुत अच्छा लाभ होता है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है महिलाओं के पीरियड बंद होने के समय यदि कोई बीमारी हो, उस समय की कोई बीमारी हो जैसे यूट्रस संबंधी बीमारी हो, ओवरी संबंधी कोई बीमारी हो, शरीर में जलन हो, गर्मी महसूस हो, ये सब लक्षण यदि प्रकट हों तो उसमें लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार देना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है और इसका बहुत ही मुख्य लक्षण है कि मरीज को गर्मी या सर्दी दोनों में बहुत दिक्कत होती है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। उसको गर्मी भी ज़्यादा पड़ती तो सहन नहीं होती है और यदि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वो भी सहन नहीं होती। यदि ऐसा लक्षण है तो उसमें लैकेसिस देना चाहिए। इससे मरीज की ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है टाइफाइड फीवर में। इसमें रोगी के नीचे का जबड़ा लटक जाता है, उसकी जीभ सूखी रहती है या काली रहती है और जीभ कांपती है। तो ऐसे लक्षण में लैकेसिस देने से मरीज का ये टाइफाइड फीवर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार डायरेक्ट टंग पर लेना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है खांसी में। खांसी आने पर यदि रोगी के नाक या मुंह के पास तेज हवा लगती हो या उसके गले में कोई कपड़ा रखा जाए तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी सांस रुक जाएगी। तो ऐसे लक्षण में लैकेसिस देने से मरीज की ये समस्या ठीक हो जाती है, उसकी खांसी भी ठीक हो जाती है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार देना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है टॉन्सिलाइटिस पर। इसमें एक बहुत ही खास लक्षण है टॉन्सिलाइटिस का। इसमें रोगी कड़ी चीज़ बहुत आसानी से निगल लेता है लेकिन पतली चीज़ निगलने में उसे बड़ी समस्या होती है, वो नहीं निगल पाता है। तो ऐसा लक्षण यदि मिले तो उसमें लैकेसिस देना चाहिए। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार लेने से मरीज की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है मसूड़े और दांत की जड़ में घाव हो जाते हैं, मुंह से बहुत ही सड़ी सड़ी दुर्गंध आती है। तो ऐसे लक्षण में लैकेसिस लेना चाहिए। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार डायरेक्ट टंग पर लेना चाहिए। इससे मरीज की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है मेंस पर। मेंस अधिकतर महिलाओं में 40-45 साल की उम्र में बंद हो जाता है लेकिन यदि उस समय बहुत अधिक
रक्तस्राव होने लगे तो उसके लिए लैकेसिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम 3 बार लेना चाहिए। इससे उनकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों इसका अगला लक्षण है ओवरी पर। ओवरी में प्रायः जो बाएं तरफ की ओवरी है उसमें यदि कोई समस्या हो, उसकी कोई बीमारी हो, जैसे ट्यूमर हो, कैंसर हो, सूजन हो या कड़ापन हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें लैकेसिस देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम 3 बार देना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण डायरिया पर है। गर्मी के दिनों में होने वाली डायरिया हो, या महिलाओं के मेंस बंद होने के समय की डायरिया हो, या शराबियों की डायरिया हो, अर्थात जो लोग शराब का सेवन करते हैं यदि उनको डायरिया हो गई है, तो उसमें लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम डायरेक्ट टंग पर लेना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है आँख की बीमारी पर। इसमें आँख से बहुत कम दिखाई देता है या बहुत धुंधला, धुएं जैसा बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसे लक्षण में लैकेसिस देना चाहिए। इसमें जो है आँख के सामने काले काले जैसे कीड़े उड़ रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, या अच्छा दिखाई देते देते अचानक देखने की शक्ति गायब हो जाती है, तो ऐसे लक्षण में लैकेसिस देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। लैकेसिस 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम 3 बार लेना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है सिर दर्द पर। इसमें सूर्य की गर्मी लगने से सिर में दर्द होने लगता है, या जरा सी धूप लगने से सिर में दर्द होने लगता है, तो उसकी लैकेसिस से एकमात्र दवा है। लैकेसिस देने से मरीज की समस्या ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है सर्दी का स्राव बंद होकर यदि सिर में दर्द होने लगे, तो उसके लिए लैकेसिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। लैकेसिस ही उसकी एकमात्र दवा है, उसको देने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है टाइफाइड फीवर में। टाइफाइड फीवर में यदि किसी दवा से कोई लाभ ना हो, तो बीच बीच में लैकेसिस का एक डोज दे देना चाहिए। इससे मरीज को धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है और उसकी समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।